क्रम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट कूलर और सिंफनी सुमो 75 एक्सएल का रेट अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, सिर्फ 700-800 रुपीज का डिफरेंस है। तो हमें इन दोनों में से कौन सा डेजर्ट एयर कूलर चूज करना चाहिए, आज की वीडियो में हम इस बात को डीपली समझेंगे। इन दोनों डेजर्ट एयर कूलर का पॉइंट बाय पॉइंट कंपैरिजन करने से पहले मैं इन दोनों एयर कूलर का कंप्लीट और डिटेल्ड रिव्यू करूंगा, ताकि हमें इन दोनों एयर कूलर के बारे में हर एक बात पता हो और हम एक यूडिशियस डिसीजन ले सकें। सबसे पहले बात क्रम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट कूलर की करते हैं। इस कूलर की वाटर कैपेसिटी 100 लीटर है, जो कि टॉप वाटर कैपेसिटी में आता है। जितनी ज्यादा वाटर कैपेसिटी होगी उतना कम बार हमें रिफिल करना पड़ेगा, और अगर कम बार रिफिलिंग करना पड़ेगा तो वो कंफर्टेबल रहेगा। ये डेजर्ट कूलर एक बार कंप्लीटली फिल करने के बाद 18-26 hours चल जाएगा। मैंने 18-26 क्यों कहा, ये मैं वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा। इस डेजर्ट कूलर में हमें तीन साइड पर हनीकॉम कूलिंग पैड्स दिए गए हैं। जो बैक साइड पर कूलिंग पैड दिया गया है उसका एरिया काफी ज्यादा है, लेकिन जो लेफ्ट और राइट साइड पर कूलिंग पैड दिए गए हैं उनका एरिया काफी कम है। लेकिन ये हनीकॉम कूलिंग पैड्स बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। इन हनीकॉम कूलिंग पैड्स की वाटर रिटेंशन ज्यादा है, इसलिए हमें ज्यादा देर तक ठंडी हवा मिलती रहेगी। इस एयर कूलर में भी हमें बड़े साइज का पावरफुल फैन दिया गया है। इस डेजर्ट कूलर में हमें 18 इंचेस का फैन मिलता है, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा है, और इसकी एयर डिलीवरी और एयर थ्रो बहुत ज्यादा है। अभी मैंने आपसे कहा कि क्रम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट कूलर में हमें पावरफुल फैन दिया गया है, इसलिए इसकी एयर डिलीवरी बहुत ज्यादा है। ये एयर कूलर 5500 मीटर क्यूब की एयर डिलीवरी कर सकता है, और ये वैल्यू अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। और अगर मैं एयर थ्रो की बात करूं तो कंपनी क्लेम करती है कि ये डेजर्ट कूलर 55 फीट की एयर थ्रो कर सकता है। लेकिन जब मैंने इस डेजर्ट कूलर को डिफरेंट कंडीशंस में चेक किया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि ये डेजर्ट कूलर 45 फीट की ही एयर थ्रो करता है, और 45 फीट की एयर थ्रो बहुत अच्छी है। कंपनी क्लेम करती है कि ये एयर कूलर 650 स्क्वायर फीट एरिया को कवर कर सकता है। लेकिन जब मैंने इस एयर कूलर को डिफरेंट कंडीशन में टेस्ट किया तो मैंने महसूस किया कि ये एयर कूलर 650 स्क्वायर फीट एरिया को ठंडा नहीं कर सकता। मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर हमारे रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन हो तो ये एयर कूलर 350 स्क्वायर फीट एरिया को आसानी से ठंडा कर सकता है। ये एयर कूलर 230 वॉट्स पावर कंज्यूम करता है, इसलिए कंटिन्यूअसली 4 आवर्स 30 मिनट तक अगर हम इसे यूज करेंगे तो हमारी 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। ये एयर कूलर भी इन्वर्टर कंपैटिबल है, क्योंकि ये डेजर्ट कूलर 230 वॉट्स पावर कंज्यूम करता है, इसलिए आप इसे इन्वर्टर पर तभी रन कर पाओगे अगर आपका बैटरी बैकअप ज्यादा बड़ा है। अगर स्मॉल बैटरी बैकअप पर आपने इस एयर कूलर को इन्वर्टर पर चलाया तो आपका इन्वर्टर बहुत जल्दी डेड हो जाएगा। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो ये डेजर्ट कूलर स्ट्रांग और स्टडी है। इस एयर कूलर में हमें ऑटो स्विंग वर्टिकल लूवर्स दिए गए हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लूवर्स हैं वो फुली कोलैप्सिबल हैं। इस एयर कूलर में हमें तीन साइड पर मॉस्किटो नेट भी दिया गया है, और सामने से जो लूवर्स हैं वो फुली कोलैप्सिबल हैं। अगर यूज करने के बाद हम इस एयर कूलर के फ्रंट लूवर्स को क्लोज कर दें तो इस एयर कूलर में मॉस्किटो ब्रीड नहीं कर पाएंगे। साथ ही इस डेजर्ट कूलर में हमें ओवरलोड प्रोटेक्टर भी दिया गया है। जिन डेजर्ट कूलर्स में हमें ओवरलोड प्रोटेक्टर दिया गया होता है उनकी मोटर की ड्यूरेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। इस डेजर्ट कूलर में हमें ऊपर की तरफ आइस चैम्बर दिया गया है, और ये आइस चैम्बर बहुत बड़े साइज का है, और इस आइस चैम्बर में एक स्पेशल फीचर है जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम इस डेजर्ट कूलर का पंप ऑन करेंगे तो सबसे पहले पानी इस आइस चैम्बर में आएगा, और इस आइस चैम्बर से होता हुआ ये पानी तीनों हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स की तरफ जाएगा। इसलिए हमारी आइस उसी पानी को ठंडा करेगी जो हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स की तरफ जा रहा है, और हमें इंस्टेंट चिल्ड एयर मिल जाएगी। अगर हम वाटर टैंक के बीच में आइस डालते तो पूरे 100 लीटर वाटर को ठंडा होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता, और 100 लीटर पानी को ठंडा करने के लिए आइस भी बहुत ज्यादा लगती। लेकिन इस डेजर्ट कूलर में जो आइस चैम्बर दिया गया है ये सिर्फ उसी पानी को ठंडा करेगा जो हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स की तरफ जा रहा है, इसलिए ये पानी जल्दी ठंडा हो जाएगा और ज्यादा ठंडा होगा। इस डेजर्ट कूलर में हमें जो पानी का पंप दिया गया है उसमें दो स्पेशल फीचर हैं। नंबर वन, इस वाटर पंप की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए ये लंबे समय तक चलेगा। और दूसरा, इस पंप में हम पानी के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। इस डेजर्ट कूलर में जो पंप है उसमें हमें सेटिंग दी गई है, लो और हाई। जब हम हाई सेटिंग पर इस पंप को रखते हैं
तो हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स के बीच में से पानी बहुत तेजी से फ्लो करता है और इस सेटिंग पर इस डेजर्ट कूलर का पानी अप्रोक्सीमेटली 60 नॉट्स तक चल जाता है। और अगर हम इस डेजर्ट कूलर के पंप को लो सेटिंग पर रखें तो इस डेजर्ट कूलर का वाटर टैंक अप्रोक्सीमेटली 25 बार्स तक चल जाएगा। इस डेजर्ट कूलर में जो हमें कंट्रोल नॉब्स दी गई हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं और उन पर हमें क्रोम फिनिश दी गई है जो देखने में बहुत प्रीमियम महसूस होती हैं। इस डेजर्ट कूलर में हमें ऑटो ड्रेन का फीचर भी दिया गया है। बेसिकली इस डेजर्ट कूलर के बैक साइड पर हमें एक नॉब दी गई है। जब हम उस नॉब को रोटेट करेंगे तो इस कूलर का पानी बैक साइड पर दिए गई स्मॉल पाइप से बाहर आ जाएगा, इसलिए इस डेजर्ट कूलर को क्लीन करना और एम्प्टी करना बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप एक पावरफुल डेजर्ट कूलर ढूंढ रहे हैं तो क्रम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट कूलर आपके लिए है। आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से परचेज कर सकते हो। इस डेजर्ट कूलर का कंपैरिजन सिम्फनी सुमो 75 XL से करने से पहले हम इस डेजर्ट कूलर के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात पॉजिटिव पॉइंट्स की करते हैं। अगर आप एक ऐसा डेजर्ट कूलर ढूंढ रहे हैं जिसका एयर फ्लो सबसे ज्यादा हो तो क्रॉम्पटन ऑप्टिमस का ये कूलर आपके लिए है। इस डेजर्ट एयर कूलर में हमें लार्ज आइस चैम्बर्स मिल रहे हैं, साथ ही इसमें हमें ओवरलोड प्रोटेक्टर भी दिया गया है और इस डेजर्ट कूलर में हमें ऑटो ड्रेनेज का सिस्टम भी दिया गया है। इस डेजर्ट एयर कूलर में हमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल का फीचर भी दिया गया है। आप अपनी नीड और कन्वीनियंस के हिसाब से इस डेजर्ट एयर कूलर का कूलिंग लेवल एडजस्ट कर सकते हो। इस डेजर्ट एयर कूलर में हमें तीनों साइड से मॉस्किटो नेट दिया गया है और जब हम इस एयर कूलर को यूज ना कर रहे हो तब हम इसे आगे से भी बंद कर सकते हैं, जिसकी वजह से मॉस्किटोज इस डेजर्ट एयर कूलर के अंदर जाकर वहां पर छुप नहीं सकते। ओवरऑल जो सभी इंपॉर्टेंट फीचर एक डेजर्ट कूलर में होने चाहिए वो सभी इसमें है। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो जब मैंने पहली बार इस डेजर्ट एयर कूलर को यूज किया तो इसमें से कुछ बैड स्मेल आ रही थी। मैंने ऑब्जर्व किया तो मैंने महसूस किया कि ये स्मेल हनीकॉम्ब कूलिंग पैड से आ रही है, इसलिए मैंने इस डेजर्ट एयर कूलर के पंप को कुछ घंटों तक ऑन रखा ताकि पानी हनीकॉम्ब कूलिंग पैड से बार बार गुजरता रहे और ये हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स अच्छे से साफ हो जाएं। इस ट्रिक ने काम किया और हनीकॉम्ब कूलिंग पैड से जो स्मेल आ रही थी वो काफी कम हो गई और 2-3 दिन में जो बैड स्मेल आ रही थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। लेकिन फिर भी मैं इसे एक नेगेटिव पॉइंट मानता हूं क्योंकि नए कूलर से हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। एक और नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा वो ये कि इस डेजर्ट कूलर को ओपन करना इतना इजी नहीं है। इसके कूलिंग पैड्स की रूटीन क्लीनिंग के लिए जब आप इसे खोलना चाहोगे तो आपको 5-6 स्क्रूज खोलने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप इसके कूलिंग पैड को साफ कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इतना सा एफर्ट्स कर सकते हैं तो ये डेजर्ट कूलर आपके लिए बेस्ट है। इस डेजर्ट कूलर का अप्रोक्सीमेट प्राइस है ₹13,000। कुछ कार्ड ऑफर लगाकर ये डेजर्ट कूलर आपको और सस्ता मिल सकता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर आप अपडेटेड प्राइस और करंट डिस्काउंट देख सकते हैं। अगर डील अच्छी मिले तो आप वहां से परचेज भी कर सकते हैं। अब हम बात सिम्फनी सुमो 75 XL की करते हैं। इस डेजर्ट कूलर की वाटर कैपेसिटी है 75 लीटर, इसलिए कंटिन्यूसली यूज करने पर ये कूलर 15-16 आवर्स चल जाएगा। इस डेजर्ट कूलर में भी हमें 3 साइड हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स दिए गए हैं और ये हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स काफी थिक हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स हैं। अगर मैं आपको इनकी थिकनेस का आइडिया दूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 इंच थिक होंगे और जब एयर इतने थिक हनीकॉम्ब कूलिंग पैड से क्रॉस करती है तो उसमें प्रॉपर मॉइस्चर आ जाता है और वो ठंडी हो जाती है। इस डेजर्ट कूलर में भी हमें पावरफुल फैन दिया गया है जिसकी एयर डिलीवरी और एयर थ्रो बहुत अच्छा है। कंपनी क्लेम करती है कि ये एयर कूलर 37 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर कर सकता है जो कि अप्रोक्सीमेटली 400 स्क्वायर फीट होता है। लेकिन जब मैंने इस एयर कूलर को डिफरेंट कंडीशंस में टेस्ट किया तो मैंने महसूस किया कि ये एयर कूलर 37 स्क्वायर मीटर एरिया को कवर नहीं कर सकता। ये एयर कूलर मैक्सिमम 250 स्क्वायर फुट रूम को ठंडा कर सकता है। कंपनी क्लेम करती है कि इसमें इनोवेटिव आई प्योर कंसोल यूज किया गया है। आई प्योर कंसोल क्या है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। कंपनी क्लेम करती है कि उसने हनीकॉम्ब कूलिंग पैड के साथ एक PM2.5 वॉश फिल्टर ऐड किया है। इसी के साथ कंपनी ने 3 और फिल्टर ऐड किए हैं। एक फिल्टर बैक्टीरिया को फिल्टर करता है और दूसरा फिल्टर एलर्जी को फिल्टर करता है, जबकि तीसरा फिल्टर स्मेल को फिल्टर करता है, जिसकी वजह से इस डेजर्ट एयर कूलर के कूलिंग पैड पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता और ये डेजर्ट एयर कूलर स्मेल भी नहीं देगा, जिसकी वजह से हमारे रूम के अंदर डस्ट फ्री और ओडर फ्री एनवायरनमेंट रहता है। लेकिन मैं कहूंगा ये फीचर्स भी तभी काम करेंगे जब आप अपने डेजर्ट एयर कूलर की टाइम टाइम पर क्लीनिंग करते रहेंगे। इस डेजर्ट कूलर में हमें SMPS टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसकी वजह से वोल्टेज फ्लक्चुएशन के केस में ये डेजर्ट कूलर ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा। इस डेजर्ट कूलर की पावर कंजप्शन है सिर्फ 185 वाट।
इसलिए अगर हम इस डेजर्ट कूलर को कंटिन्यूअसली 5 और 15 मिनट्स तक यूज करेंगे तो हमारी 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। इस डेजर्ट कूलर में हमें सामने की तरफ आइस चैम्बर दिया गया है जो कि साइज में मुझे थोड़ा सा स्मॉल लगा। इस डेजर्ट कूलर में भी जो वर्टिकल लूवर्स हैं उनमें हमें ऑटो स्विंग का फीचर दिया गया है। इस डेजर्ट कूलर की बिल्ड क्वालिटी काफी स्ट्रॉन्ग और स्टडी है। इस डेजर्ट कूलर के जो कैस्टर व्हील्स दिए गए हैं वो भी काफी स्ट्रॉन्ग और स्टडी हैं। और इन व्हील्स की हेल्प से हम इस डेजर्ट कूलर को इजीली मूव कर सकते हैं। इन कैस्टर व्हील्स पर हमें लॉक का फीचर भी दिया गया है। इस डेजर्ट कूलर की हाइट है 1073 mm और इसका वेट है 13.4 kg। ये डेजर्ट कूलर भी इन्वर्टर कंपेटिबल है और आप इसे इन्वर्टर पर भी यूज कर सकते हो क्योंकि ये डेजर्ट कूलर सिर्फ 185 वाट्स कंज्यूम करता है। और हमारे घरों में जो सीलिंग फैन होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 70 वाट्स पावर कंज्यूम करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली डाई सीलिंग फैन जितनी पावर कंज्यूम करेंगे उतनी ये एक डेजर्ट कूलर पावर कंज्यूम करेगा। अब आप आइडिया लगा लीजिए कि अगर आप इस डेजर्ट कूलर को इन्वर्टर पर यूज करते हो तो आपका इन्वर्टर कितना बैकअप देगा। अब मैं बात इस डेजर्ट एयर कूलर के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की करता हूँ। सबसे पहले बात पॉजिटिव पॉइंट्स की करते हैं। इस डेजर्ट कूलर की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और इसका एयर फ्लो भी काफी अच्छा है। साथ ही ये डेजर्ट कूलर कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। इस डेजर्ट एयर कूलर के कैस्टर व्हील्स भी काफी स्ट्रांग है, इसलिए आप इस डेजर्ट एयर कूलर को एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से मूव कर सकते हो। अब हम बात इस डेजर्ट कूलर के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की करते हैं। ये डेजर्ट कूलर थोड़ा सा कॉस्टी है। इसका ऑनलाइन प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 12,000। और इसके बाद भी हमें इस डेजर्ट एयर कूलर में एम्प्टी वाटर टैंक अलार्म नहीं दिया गया। लेकिन अगर ये आपके लिए एक कोन नहीं है तो आप इस डेजर्ट एयर कूलर को चेकआउट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर आप करंट डिस्काउंट और कोड ऑफर भी देख सकते हैं। अब मैं सिम्फनी सुमो 75XL का क्रम्प्टन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट कूलर के साथ कंप्लीट और डिटेल्ड कंपैरिजन करता हूं। सिम्फनी सुमो सिर्फ 185 वाट्स पावर कंज्यूम करता है जबकि क्रम्प्टन ऑप्टिमस 230 वाट्स पावर कंज्यूम करता है, इसलिए इन्वर्टर पर सिम्फनी सुमो ज्यादा देर तक चलेगा। सिम्फनी सुमो 250 स्क्वायर फीट एरिया को ठंडा कर सकता है जबकि क्रम्प्टन ऑप्टिमस 350 स्क्वायर फीट एरिया के रूम को ठंडा कर सकता है। हाइट की बात करूं तो सिम्फनी सुमो की हाइट है 1073 mm जबकि क्रम्प्टन ऑप्टिमस की हाइट है 1040 mm। सिम्फनी सुमो 3 cm ज्यादा लंबा है। इन दोनों डेजर्ट कूलर में हमें आइस चैम्बर दिए गए हैं लेकिन सिम्फनी सुमो का आइस चैम्बर स्मॉल है जबकि क्रम्प्टन ऑप्टिमस नियो का आइस चैम्बर बड़ा है और साथ में उसमें स्पेशल फीचर्स भी हैं। हनीकॉम कूलिंग पैड्स में जो पानी जाता है वो इसी आइस चैम्बर से होकर जाता है। जो पानी हनीकॉम कूलिंग पैड की तरफ जाएगा वही ठंडा होगा, इसलिए कम आइस भी हमारे हनीकॉम कूलिंग पैड्स को ठंडा कर सकती है। सिम्फनी सुमो और क्रम्प्टन ऑप्टिमस इन दोनों में हमें ऑटो ड्रेनेज का फीचर दिया गया है लेकिन सिम्फनी सुमो में हमें जो रबर प्लग दिया गया है वो नीचे की तरफ दिया गया है। जब हम इस प्लग को निकाल देंगे तो इस वाटर कूलर के नीचे हम टब नहीं रख सकते जबकि क्रम्प्टन ऑप्टिमस में ऑटो ड्रेनेज के लिए एक नॉब दी गई है। जब हम इस नॉब को मूव करेंगे तो साथ में एक छोटी सी पाइप दी गई है जिसमें से पानी बाहर आएगा और इस पानी के नीचे हम टब लगा सकते हैं, तो ऑटो ड्रेनेज का फीचर भी मुझे क्रम्प्टन ऑप्टिमस में ज्यादा अच्छा लगा। और अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोनों की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। दोनों में हमें जो नॉब्स दिए गए हैं वो लुक वाइज और क्वालिटी वाइज अच्छे हैं। तो फाइनली इन दोनों में से कौन सा डेजर्ट कूलर चूज करना चाहिए? अगर आपके रूम का एरिया 200 स्क्वायर फीट तक है तो आप सिम्फनी सुमो 75XL ले सकते हो। इसकी पावर कंजप्शन भी कम है इसलिए इन्वर्टर पर ज्यादा लंबा बैकअप देगा। साथ में इसकी हाइट भी थोड़ी सी ज्यादा है और इसमें हमें आई प्योर टेक्नोलॉजी भी दी गई है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका डेजर्ट एयर कूलर छोटे मोटे एयर प्यूरिफायर का भी काम करे तो आपको सिम्फनी सुमो की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके रूम का एरिया 250 स्क्वायर फीट से ज्यादा है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा क्रम्प्टन ऑप्टिमस, क्योंकि इसकी एयर डिलीवरी सिम्फनी सुमो से ज्यादा है, इसकी एरिया कवरेज सिम्फनी सुमो से ज्यादा है और इसका एयर थ्रो भी सिम्फनी सुमो से ज्यादा है। इसमें आइस चैम्बर भी सिम्फनी सुमो के कंपैरिजन में बड़ा दिया गया है और इसमें ऑटो ड्रेनेज का सिस्टम भी मुझे ज्यादा प्रैक्टिकल लगा।